तो जी स्वागत है आपका हैदराबाद के वन ऑफ दी ओल्डेस्ट होटल्स के अंदर। जी हाँ, मैं इस समय हूँ होटल नयाब में, और होटल नयाब में बनाई जाती है बहुत अमेजिंग नॉनवेज डिशेस। आइए अंदर चलते हैं, ओनर से मिलते हैं और आपको दिखाते हैं क्यों इतना स्पेशल है होटल नयाब। भाई कैसे हैं? तो ये हमारे भाई हैं, होटल नयाब के ओनर हैं। ये हमें लेके जाने वाले किचन में, इन्होंने हमें इनवाइट किया कि आप हैदराबाद आए हैं तो आप हमारे किचन में आइए, हम आपको दिखाते हैं कौन कौन सी डेलिकेसीज हमारे इस किचन में बनाई जाती है। बहुत अमेजिंग डेलिकेसीज है, क्या क्या दिखाने वाले हैं? आइए अंदर, आपको मलाई पाया है, कीमा है, देयर वैरायटी ऑफ डिशेस जो आप, चलो आओ भाई, आओ भाई देखते हैं किचन में। आई एम वेरी एक्साइटेड। ये जो आप देख रहे हैं ये अपना पूरा रॉ मटेरियल है ये साइड, और ये साइड जो है आपका पार्शियली कुक्ड आइटम है। ये आपका भेजा है अपने को, बॉइल्ड रहेगा ये, जब अपने को ऑर्डर आएगा इसको आप कुकिंग जब का जब करके देते हैं। दिस इज पाया, ये आपको मलाई पाए में यूज होगा। एंड ये जो आइटम है ये पूरा आपका पार्शियली कुक्ड है ये आइटम पूरा। ये आपका है नायाब स्पेशल मटन का ग्रेवी है ये, इसमें आपको काजू का पेस्ट रहेगा, मोस्टली काजू रहेगा, एंड देन पूरा ड्राई फ्रूट्स का बेस रहेगा इसमें। दिस इज़ वेरी हैवी खाने में। एंड देन आपको आएगा ये मटन खलिया, ये माहे खलिया एक हैदराबाद का फेमस डिश है, उसका जो है अपन कॉन्सेप्ट लेके ये माहे खलिया बनाते हैं। एंड देन अगर आप यहाँ आएंगे तो दिस इज़ अचारी मटन, ये आपको अचार लवर्स जो रहेंगे उसके लिए है। इसका पूरा आपको अचार का टेस्ट आएगा इसमें, अलॉन्ग विथ स्पाइसेस, एडिशनल स्पाइसेस जो है इसका बेस जो आपको फ्लेवर रहेगा दैट विल बी अचार का। एंड ये जो है आपका दम का चिकन है, दम का मटन, इसका ग्रेवी दिस इज़ लाइक फ्रॉम आर नॉर्मल मेन्यू जो हम लोग रेगुलर डेज में भी देते, रमज़ान में भी मिलता है। इसमें आपको फली का पेस्ट, ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल रहेगा। और ये आपका, ये तो फेमस ही डिश है, पूरा हर जगह ही मिलेगा आपको। दिस इज़ ये अपना बटर चिकन जो आएगा उसका ग्रेवी है ये। एंड ये जो पूरा आइटम है, दिस आर ऑल द रॉ मटेरियल्स विच वी यूज। ये आपको चिकन 65 है, ये पूरा स्पाइसेस जो है आपको जब आइटम अपने को ऑर्डर आएगा वी विल यूज ऑल दीज एंड यू नो मेक दोज आइटम। तो जी घड़ी में इस समय बजे हैं रात के 2, और यहाँ पे सहरी की जो तैयारी है वो जोरों शोरों से है। अगले 1 घंटे में यहाँ पे जो सहरी है वो लगना शुरू हो जाएगी, और आप देखेंगे मेरे लेफ्ट मेरे राइट पे बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे जो सौदा है वो तैयार करके रखा गया है। बहुत अमेजिंग मटन, बहुत अमेजिंग चिकन, बहुत सारी मात्रा में यहाँ पे कीमा, भेजा फ्राई, पाया, बहुत सारी वैरायटी मिलती है आपको नायाब किचन में। मेरे साथ जुनेद भाई हैं जो कि इसके ओनर हैं, इनके फादर साहब ने शुरू किया 1986 में, और आज इतने साल के बाद ये इसको संभाल रहे हैं। भाई मतलब ये नज़ारा देखिए एकदम मज़ा आ गया। तो सहरी में क्या क्या तैयार किया आज आपने? तो सहरी में क्या है, आपका जो नॉर्मल अपना मेन्यू रहता है उससे एकदम एक सेपरेट मेन्यू बनाते हैं विच इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली फॉर दैट मंथ। वो एक मंथ में भी सब ऑलमोस्ट अराउंड उसमें 30-35 डिशेज रहते हैं। हाँ। उसमें से आपको अगर आप देखें मोस्ट ऑफ, हाँ, अभी हम सारी आइटम आपको दिखाएंगे। तो ये सहरी के लिए सिर्फ स्पेशल बनाते हैं, स्पेशली सहरी के लिए। इसके बाद मेन्यू चेंज हो जाएगा, मेन्यू चेंज हो जाएगा आपको ब्रेकफास्ट में ऑलमोस्ट, उसमें से सिर्फ 30% डिशेज रहेंगे, बाकी के सब चले जाएंगे। और फिर जब रमजान आएंगे दोबारा से ये डिशेज आएंगे। भाई मतलब यहाँ पे इतने बड़े पैमाने पे सारी डिशेज को तैयार किया जाता है ना कि देख के आपकी जो भूख है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये आप जो देख रहे हैं दिस इज दम का कीमा। अरे वाह, कीमे में एक्चुअली 2 रहते हैं, 1 इज नॉर्मल कीमा और ये जो दम का कीमा है इसको जो है बनाने का प्रोसेस एकदम अलग है। हाँ। इसमें लाइक काइंड ऑफ आपको स्मोकी फ्लेवर आता है क्योंकि इसमें जो है एक तो इसको स्लो कुक करते हैं, उसमें जो नॉर्मल कीमा आता है उसमें आपको टोमेटो का ग्रेवी रहता है, इसमें नहीं रहेगा। दिस इज लाइक प्योर कीमा और इसमें जो है असली घी रहेगा, जाफरान रहेगा, एंड इसमें मलाई का, अब आप देख रहे हैं जैसे ये मलाई ऐड कर रहे हैं। अरे वाह, मलाई का पूरा लाइक हाई क्वालिटी इसमें जो है मटेरियल यूज होता है इंग्रेडिएंट्स में। इसका प्राइस भी आपको जो है ऑलमोस्ट उससे ज़्यादा रहेगा बिकॉज इसमें वो टाइप का मटेरियल यूज होता है। तो दिस इज दम का कीमा, ये आप देख रहे हैं क्रीम डलता है उसमें, ये असली घी, ये असली घी, क्या बात है भाई। ये देखिए ये है दम का कीमा, नॉर्मल कीमा आपने बहुत खाए होंगे लेकिन नायाब होटल का स्पेशल दम का कीमा बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, शायद इसीलिए इतने बड़े पैमाने पे ये दम का कीमा बनाया जाता है। तो ये आइटम जो आप देख रहे हैं दिस इज गुर्दा फ्राई, गुर्दा फ्राई बोले तो आपको किडनी रहेगा। हाँ। इसमें भी अपने पास 2 रह गए, 1 विल बी भाजी गुर्दा एंड ये आपको गुर्दा फ्राई है ये। अरे वाह, इसमें जो है प्योर किडनी अलॉन्ग विद स्पाइसेस दैट्स इट, और कुछ भी इसमें वो दूसरा आइटम नहीं रहेगा। और ये क्या आइटम, कितने का है ये? आपको पड़ेगा ऑलमोस्ट 180 का। तो ये देखिए जी एक डिश जो यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है वो है ये तला हुआ मटन, फ्राइड मटन, और कितना जूसी, कितना बढ़िया यहाँ पे ये मटन को फ्राई किया जाता है ना आप देख सकते हैं। और एक बार फिर से देसी घी के अंदर मटन को फिर फ्राई किया जाता है मसालों के साथ, कितना टेस्टी और ये लजीज लग रहा है वो आप यहाँ देख सकते हैं। करी लीव्स,
वाह क्या बात है भाई। देखिए सूखा फ्राइड मटन है ये, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग रहता है। तो जी नायाब का द मोस्ट सेलिंग डिश जो है वो है ये मलाई पाया। आपने पाई का सूप पिया होगा, आपने पाई की सब्जी खाई होगी, लेकिन आपने मलाई पाया ना कभी देखा होगा, ना कभी चखा होगा, ना कभी खाया होगा। ऊपर से डाला गया ढेर सारी मात्रा में ये देसी घी, और उसके बाद इसको सर्व किया जाता है ये मलाई। ओए होए होए होए, मलाई पाया नाम के लिए नहीं, मलाई भी डाली जाती है। शहरी में बहुत लोग खाते हैं इसको, और ये कढ़ाई कहते हैं कि सबसे पहले ख़त्म होती है 10 से 15 मिनट में। इनका जो ये मलाई पाया की कढ़ाई है जो कि इतनी बड़ी है, वो निकल जाती है, निपट जाती है, बिक जाती है, और इसीलिए लाइनें लग के यहाँ पे इनका ये मलाई पाया बिकता है। तो ये देखिए जी यहाँ पे बनाया जा रहा है नायाब होटल का बहुत ज़्यादा फेमस भेजा फ्राई। तो यहाँ पे काली मिर्च वाला भेजा फ्राई जो है वो बनाया जा रहा है। देखिए अब सारे मसाले इसके अंदर आ गए। ओए होए होए क्या बात है भाई, नेक्स्ट लेवल एक्सट्रीम लेवल मेकिंग है। ये देखिए जनाब ये आया जी भेजा, जिसको ऑलरेडी पहले से बॉईल करके रखा हुआ है मसालों के साथ, और उसके बाद इसको फिनिश किया जाता है इस काली मिर्च की ग्रेवी के अंदर। बहुत ही टेस्टी और ये टेम्पटिंग भेजा फ्राई भाई साहब क्या बात है। ऊपर से क्रीम डाली जा रही है ये। ओए होए 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 भाई साहब, मतलब क्या एक्सट्रीम लेवल है। देखिए कितना फैटी कितना जूसी यहाँ पे ये भेजा फ्राई बनके तैयार हो गया। ओए होए होए वाह जी वाह क्या बात है। देखिए जनाब कितने बड़े पैमाने पे यहाँ पे जो ऑर्डर्स है वो लगातार निकलते रहते हैं, प्लेटें जो है वो लगातार सजती रहती है, चाहे कीमा की बात हो, चाहे भेजा फ्राई की बात हो, चाहे गुर्दे की बात हो, चाहे पाए की बात हो, चाहे बटर चिकन की बात हो, चाहे किसी भी आइटम की बात हो, जितनी भी रमजान स्पेशल आइटम है ना वो सारी यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली लगातार निकलती रहती है। ओए होए भाई साहब जितनी फेमस इनकी बाकी की डिशेज हैं, और ये उतनी फेमस इनकी यहाँ पे ये बिरयानी भी है। देखिए भाई क्या बढ़िया, एकदम खिला खिला चावल का दाना है, और किस तरीके से प्यार से एकदम बिरयानी की प्लेट को सजाया जाता है, टावर है बिरयानी का। ये देखिए जी यहाँ पे भाई जो है वो आटा गूंध रहे हैं, और कितने बड़े बड़ी बारात के अंदर यहाँ पे आटा गूंदा जाता है ना, सारी की सारी जो तैयारी है वो शहरी के लिए अभी चल रही है यहाँ पे। और सारी डिशेज हमने आपको दिखाई, उसके साथ कितने बड़े पैमाने पे यहाँ आटा लगाया जाता है रोटी के लिए, वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो जी यहाँ पे आ रही है शहरी की सबसे ज़्यादा फेमस डिश जो कि है खिचड़ी। ये देखिए जी ये है खिचड़ी जो कि शहरी के दौरान बनाई जाती है, और ये जितनी देर बनने में लगती है उससे जल्दी ये खिचड़ी जो है वो बिक जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलर इनकी ये खिचड़ी है। ये देखो भाई मतलब कितनी गजब, ये दही से तैयार, खोपरे से तैयार, इमली की एक तरीके की स्पेशल करी है जो कि खिचड़ी के साथ सर्व की जाती है, और बहुत ही टेस्टी लग रही है दिखने में। मतलब क्या लाजवाब देखिए रंगत है इस ग्रेवी के ऊपर, और ये सर्व की जाती है जी इस खिचड़ी के साथ। और ये है जी नायाब स्पेशल चिकन, क्या बात है जी क्या बात है। ये देखो वाह जी वाह, सुपर स्पेशल डिश है भाई ये शहरी की, और रमज़ान के दौरान ही ये बनाई जाती है। ऊपर से आई थोड़ी सी क्रीम, और आया जी ऊपर से ये फ्रेश हरा धनिया, और ये आया जी तला हुआ मटन। ये देखो भाई क्या लाजवाब लग रहा है यार, ये तला हुआ मटन कितना मसालेदार, कितना चटपटा, और कितना ही टेस्टी, वाह जी वाह। और ये फ्रेश हरा धनिया आया इस पर भी, और ये है जी गुर्दे, ये देखो भाई। और सारी चीज़ें बहुत बड़ी क्वांटिटी में यहाँ बनाई जाती है, चाहे गुर्दे हो, चाहे हो भेजा फ्राई, चाहे हो मटन, चाहे हो आपका मलाई पाया, चाहे हो कोई भी डिश, बहुत बड़े पैमाने पे। और ये देखो भाई क्या लाजवाब टेम्पटिंग मसालेदार ये भेजा फ्राई भाई। तो जी हाईटेक के इस ज़माने में आज भी नायाब होटल पे इस्तेमाल किए जाते हैं ये स्पेशल टोकन, और ये स्पेशल टोकन हर एक डिश को बयान करते हैं। क्या क्या भाई जरा बताओ। ये आपका रोटी का है, दिस इज दम का कीमा, दिस इज दाल चा, दिस इज भेजा, बाजी गुर्दा, कीमा, चिकन 65, ये चाय है, ये आपको चिकन का करी है, ये मटन का करी है, ये चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, एंड दिस इज बटर नान। वाओ मैन वाओ, मतलब इतने सारे नाम आपको याद हैं, वाओ। तो ये देखिए कितने सारे यहाँ पे टोकन है, और हर टोकन कुछ ना कुछ डिश को सिग्निफाई करता है। तो जी फाइनली हमारी जो दावत है वो सच चुकी है, बहुत सारी डिशेस यहाँ पे रमजान के दौरान सर्व की जाती है। कोई यकीन नहीं करेगा, मानेगा नहीं कि इस समय रात के 2:30 बज रहे हैं, और 2:30 बजे मेरे पीछे जरा आप लोगों की भीड़, लोगों का रश देखिए कि कितने सारे लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए आए हैं, और यही मंजर रहने वाला है अगले 1.5 से 2 घंटे के लिए यहाँ पे। ऑब्वियसली मैं अकेले ये सब नहीं खाने वाला हूँ, बहुत बड़ी टीम है मेरे साथ ये जो खाने वाली है, लेकिन मैं आपके लिए जो है कि बेस्ट 3 डिशेज है जो कि है ये कीमा, साथ में है ये मलाई पाया, और ये नयाब स्पेशल चिकन, वो ट्राई करके आपको इसका स्वाद बताने वाला हूँ।
तो भाई शुरुआत हम करने वाले हैं यहाँ पे दम कीमा से, आगे बताओ। मलाई पाया, क्या बात, और साथ में स्पेशल नायाब चिकन। और ये है जी खिचड़ी। भाई मतलब मैं बहुत सारी जगहों पे गया हूँ, मैंने बहुत ट्रैवल किया है, बहुत सारी जगहों पे नॉनवेज डिशेस खाई है, लेकिन जितनी दीवानगी यहाँ पे है ना इस नायाब होटल के अंदर, जो कि ओल्ड हैदराबाद के अंदर है, शायद ही मैंने कहीं और देखी हो। अब बात करूँ इनके खाने की, तो ये जो दम कीमा है ना, वाकई में ये बाकी कीमा से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। उसके बाद बात करूँ अगर ये मलाई पाया की, पाया सूप आपने पिया होगा, पाई की सब्जी आपने खाई होगी, लेकिन मलाई पाया मैंने पहली बार देखा, पहली बार सुना और पहली बार खाया। इसके अलावा आपको यहाँ चिकन 65 मिलता है, फ्राइड मटन मिलता है, आपको यहाँ गुर्दे मिलते हैं, उसके अलावा आपको बटर चिकन भी मिलता है, साथ में आपको भेजा फ्राई मिलता है, जो भी आप लेना चाहें सारे ऑप्शन मिलते हैं। आइएगा और ये ट्रीट को एंजॉय कीजिएगा। मेरे खाने की तलाश जारी रहेगी, टीम के साथ ख़त्म करता हूँ ये सारा सौदा और आगे बढ़ता हूँ एक नए खाने की तलाश में। आप स्वाद ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर अब तक नहीं किया, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम आप तक ऐसा बेहतरीन खाना इंडिया से लेके आते रहें।